हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश। ब्लॉग वेबसाइट विद 3D होवर इफेक्ट का ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर हम आज क्रिएट करने वाले हैं इमेज होवर इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं, आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये ऑसम 3D होवर इफेक्ट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने इतना सेक्शन क्रिएट कर लिया था गाइज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, और ऊपर जो आपका आई बटन दिखाई दे रहा है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी। सो आज हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, देखिए आज क्रिएट करने वाले हैं हम अपना ये नेक्स्ट सेक्शन, ये वाला। तो इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लेना है बड़ा डिव, ठीक है, और उस डिव के अंदर 3 छोटे डिव, तो एक फर्स्ट डिव, सेकेंड डिव और थर्ड डिव। और उन तीनों डिव के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें इमेज लगानी है, एक हमें पैराग्राफ लिखना है और एक हमें बटन क्रिएट करना है। तो इतना काम हमें करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हमारा हेडर टैग। हेडर टैग के अंदर क्रिएट करते हैं हमारा डिव, और डिव के अंदर हमें लगानी है इमेज। इमेज पड़ी है हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर, नेम है उसका bu1.jpg, ठीक है। इसके बाद में हमें क्रिएट करना है एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हम लिख देते हैं कुछ भी, द मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक लिंक क्रिएट करनी है। लिंक क्रिएट करते हैं हम एंकर टैग से, तो हैश और वैल्यू सेट कर देते हैं उसकी, रीड मोर सेम एज इट इज। अब हमें क्या करना है, देखिए इस डिव को कर लेना है कॉपी, और हमें 3 डिव चाहिए थे तो इसको करते हैं कॉपी, देन पेस्ट, तो 2 एंड 3। अब इमेज और टेक्स्ट को कर लेते हैं चेंज। यहाँ पे हमने इमेज और टेक्स्ट को कर लिया है चेंज, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। सो ये देखिए इमेज काफी बड़ी है, ये देखिए यहाँ पे इमेजेस वगैरह सब कुछ आ चुका है, लेकिन काफी बड़ा है तो इनको हमें स्टाइल करना है। सबसे पहले हमें किसको स्टाइल करना है, जो हमारा हेडर टैग है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, आते हैं हमारी सीएसएस वाली फाइल में और यहाँ पे कर लेते हैं हमारे हेडर को स्टाइल। सो हेडर आपका टैग है तो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टाइल। इसकी विड्थ सेट कर देते हैं हम 100%, और इसके अंदर अप्लाई करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, हेडर के अंदर जो आपका डिव है उस डिव को स्टाइल करते हैं। डिव की पोजीशन सेट कर देंगे रिलेटिव, और कर्सर उसका कर देंगे पॉइंटर ताकि हैंड शेप दिखाई दे, और उसका जो भी ओवरफ्लो हो उसको कर देंगे हिडन। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए हेडर के अंदर जो डिव है आपका, उसके अंदर जो आपकी इमेज है उनको स्टाइल करना है। इमेज की विड्थ कर देनी है हमें 100%, और हाइट सेट कर देनी है 100%। इसको करते हैं सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखें ऑटोमेटिक हमारी इमेजेस इतनी सेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा पैराग्राफ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है नीचे, देखें यहाँ पे, तो उस पैराग्राफ को भी हमें स्टाइल करना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडर के अंदर जो डिव है उस डिव के अंदर जो पी टैग है उसको स्टाइल करना है। सो यहाँ पे देखिए हेडर के अंदर जो आपका डिव है उसके अंदर जो आपका पी टैग है, सबसे पहले उसकी पोजीशन सेट कर देनी है एब्सोल्यूट, और एकदम बॉटम में चाहिए तो बॉटम से कर देंगे 0 मार्जिन। उसकी विड्थ सेट कर देंगे 100%, जो आपका जितना डिव है उतनी विड्थ कवर कर ले, और उसकी हाइट सेट कर देंगे 80 पिक्सल की। लाइन हाइट भी सेट कर देंगे 80 पिक्सल, ताकि बिल्कुल सेंटर में रहे आपका टेक्स्ट। उसका बैकग्राउंड कर देंगे लाइट ब्लैक कलर, तो RGBA में देते हैं 0.0.0, एंड अल्फा वैल्यू सेट कर देंगे 0.8। फिर जो आपका टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट, फॉन्ट साइज कर देंगे हम हमारे पैराग्राफ की 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जो टेक्स्ट है वो स्टाइल होके नीचे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारा ये बटन है लिंक है इसको स्टाइल करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो एंकर टैग क्रिएट किया है डिव के अंदर जो आपका ए टैग है
उसको स्टाइल करना है, तो चलिए उसको भी स्टाइल कर देते हैं। हमें कैसे स्टाइल करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है। हेडर के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो आपका एंकर टैग है उसको हमें स्टाइल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको कर देते हैं नन, ताकि अंडरलाइन रिमूव हो जाए। बैकग्राउंड कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर कर देंगे वाइट और फॉन्ट साइज कर देंगे उसकी 20 पिक्सल की, और पैडिंग ऐड कर देंगे उसमें टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमने इतना सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्रिएट करना है हमारा वो होवर इफेक्ट। तो देखिए होवर इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। हेडर के अंदर जो आपका डिव है उसके अंदर जो आपकी इमेज है उस पे जब हम करते हैं होवर, तो क्या होना चाहिए देखें, ट्रांसफॉर्म कर देंगे उसका स्केल 1.5। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए इसका स्केल बड़ा हो रहा है, लेकिन अजीब सा दिखाई दे रहा है, यानी स्मूथली इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो वो स्मूथली इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे और जहाँ पे हमने ये इमेज क्रिएट करी है ऊपर देखिए, इस इमेज के अंदर हमें लिख देना है ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड एस इन डैश आउट। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए अमेजिंग 3D होवर इफेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारा प्ले बटन, जो यहाँ पे आपको इस वाली में दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो ये प्ले बटन कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। एडिटर में आते हैं और HTML वाली फाइल में आने के बाद में जो हमारा लास्ट डिव है, इस लास्ट डिव के बाद में यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक आई टैग, और यहाँ पे उसकी क्लास सेट कर देंगे फॉर डैश और लिख देंगे प्ले। इसको यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं और वो आईडी भी कर देते हैं प्ले। अब इस आईडी को करते हैं हम स्टाइल। तो CSS वाली फाइल में आते हैं और यहाँ पे जिसकी आईडी हमने सेट करी है प्ले, उसको करते हैं स्टाइल। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले पोजीशन सेट कर देनी है एब्सोल्यूट, और ये हमें कहाँ पे चाहिए, एकदम सेंटर में चाहिए। तो टॉप से कर देंगे 50% का मार्जिन, और सेम एज इट इज क्या कर देंगे, लेफ्ट से भी कर देंगे 50% का मार्जिन, लेकिन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इसके लिए हम ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस परसेंट कॉमा माइनस 50%। इससे होता क्या है, एकदम आपका सेंटर में आ जाता है परफेक्टली। सो जो आइकन है उसकी फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं यहाँ पे हम 20 पिक्सल की। कलर उसका कर देंगे वाइट, बैकग्राउंड ऐड कर देंगे, पैडिंग ऐड करेंगे उसमें 20 पिक्सल की, और साथ में राउंडेड करना है इसलिए बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे 50%, और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे उसका सेंटर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। सो ये देखिए बिल्कुल प्ले बटन हमने हमारी वाली में भी क्रिएट कर लिया है। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा कंप्लीट ये अबाउट सेक्शन, जिसके अंदर हम ये डिज़ाइन बनाना भी सीखेंगे, और यहाँ पे जो सोशल विजिट्स हमने ऐड करी है उसको कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने पेज नेविगेशन भी क्रिएट किया है। तो ये कंप्लीट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।